दोस्तों यहाँ पर रेड वाला सब्सक्राइब को दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आप सैमसंग J210F, आप देख पा रहे हो सैमसंग J210F यहाँ पर है, ठीक है। यार प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल डेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसलिए क्या प्रॉब्लम है। ये 100% वर्क मैंने किया तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप इजीली ये रिपेयर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको DPS मशीन के साथ क्या प्रॉब्लम आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा DPS मशीन है, आप देख पा रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ठीक है। कनेक्ट करने बाद यहाँ पर रीडिंग देख पा रहे हो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा शो रहा है, अब साइड से दिख जाए, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लगा देने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो हल्की से रीडिंग उठ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ढक्कन को मैंने खोल दिया, ठीक है। तो फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने ये वाला को ये वाला कनेक्ट किया और ये वाला कनेक्ट किया, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल डेड है, आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर यह है, ये खोल लेता हूँ, ठीक है। नाले ये खोल दिया मैंने, यहाँ पर ए वाला को खोल दिया, ए पीसीबी को खोल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से ये सेट पूरा पूरा डेड है। ये सैमसंग J2 कोड है, ठीक है, J210F, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो बाहर में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो आपको सही से मेरा बात सुनना है तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जैक्टली क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आप शुरू से लेकर आज तक देखते रहिए, बीच में मत चलिए तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कमेंट करोगे सर मेरा सब तो ये नहीं हुआ, मेरा सेट वन नहीं हुआ, आपको ज़्यादा कमेंट आता है। तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखता हूँ ये सेट ऑटो डैमेज हो क्या नहीं, तो ये तो ऑटो डैमेज तो नहीं है। तो मैंने फर्स्ट एक कैमरा को निकाल देता हूँ, यहाँ पर फ्रंट कैमरा ये भी निकाल देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये ढक्कन है, ये मैं उठा देता हूँ, तो चेक करूँगा कैसे ये प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं मीटर को बी रेंज में रखता हूँ, यहाँ पर बी रेंज है, आपको चेक कर लेना है ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देख पा रहे हो यहाँ पर रीडिंग वन शो कर रहा है, तो मतलब जिससे काम कर रहा है। मैं सबसे पहले जैसे बैटरी का प्लस पॉइंट है, यहाँ पर प्लस से और 3 नंबर वाला माइनस से रीडिंग चेक करता हूँ। यहाँ पर सब तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक कॉयल है, ये कॉयल तो ठीक ठाक है, यहाँ पर कॉयल है, बीप देना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर को आपको बीप नहीं, या कैपेसिटर को आपको ढूंढना है, ठीक है जी। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये देख पा रहे हो ये बीप दे रहा है कि नहीं। ये कैपेसिटर तो ठीक ठाक है, यहाँ पर कैपेसिटर तो ठीक ठाक है, यहाँ पर लेके
यहाँ पर देख रही, यहाँ पर ये पूरा जल गया लग रहा है ये कैपेसिटर। ठीक है, मैं इसका रेंज चेक करता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर बिल्कुल शॉर्ट है, प्रॉब्लम यहाँ से आता है। ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण आपका से डेड हुआ। ठीक है, ये सैमसंग का j210f है। तो मैं सबसे पहले क्या, ये आपको ढूंढना है, अब आप अच्छी तरह से देखना है, यहाँ पर जल गया है ये कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो शॉर्ट दिखा रहे, मैं यह क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सब देखा, यहाँ पर तोड़ देता हूँ। तोड़ने के बाद ये कैपेसिटर सही सही शॉर्ट है कि नहीं क्या गया, यहाँ पर फिर रख के ये कैपेसिटर को रीडिंग चेक करता हूँ। यहाँ पर सही से दिख जा, रुक रुक रुक, लग गया। देखिए देखिए ये कैपेसिटर पूरा शॉर्ट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको यहाँ से आता है ये शॉर्ट होने के कारण। ठीक है, तो फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये तो अभी तक नॉर्मल ही है, तो मैंने कैमरा को लगा देता हूँ, मैं देखता हूँ ये सेट बिल्कुल ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं कैमरा को लगा देता हूँ, कैमरा को लगा देता हूँ। यहाँ पर फोन कैमरा है, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ढक्कन है, ये ढक्कन को भी लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये पीसी में मैं फिट कर देता हूँ, यहाँ पर लगा के, यहाँ पर लगा देता हूँ। एक मिनट, देखिए। ठीक है, मैंने लगा दिया। यहाँ पर डिस्प्ले में अलग से उठा कर रखा हूँ, ये डिस्प्ले सेट करके आपको मैं दिखाऊंगा ये सेट ऑन हुआ कि नहीं। तो ये सेट फिट कर दिया, तो आपको मेरा पावर सप्लाई है वहाँ पर लेकर कर आपको दिखा देता हूँ जे ये सेट बिल्कुल ऑन हुआ कि नहीं। इस प्रोसेस के माध्यम से आप कोई भी सेट ऑन कर सकते हो सेम मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेट ऑन हुआ कि नहीं, तो चलिए दिखा देता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर लगा के मैं लगा के दिखाऊंगा ये ऑन हुआ कि नहीं। ठीक है, मैं ये पावर सप्लाई आपको मैं देखा देखता है, ये पावर सप्लाई देखिए, ये पावर सप्लाई उठ रहा है और ये सेट बिल्कुल ऑन हो गया। ठीक है, ये सेट ऑन हो गया और यहाँ पर रीडिंग आप चेक कर सकते हो, रीडिंग पूरा पूरा आता है। मैं आपको पूरा ऑन करके मैं ये दिखाता हूँ ये सही से वर्क किया कि नहीं। देखिए ऑन हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ऐसे क्या होगा, मेरा अंदर से मोटिवेट आता है मैं आपके सामने अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। तो वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए ये ठीक ठाक काम किया, देखिए आपके साथ ये पूरा ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मैं आपको कीपैड के दाखन देखिए, ठीक है, दिक्कत ठीक ठाक काम हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगला।